हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसके बेनिफिट्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे नीडी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। बात करें EDI की तो EDI बिजनेस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज करना है, जैसे परचेज ऑर्डर हो गया, इनवॉइस हो गया, जिससे टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट कटिंग भी होती है, काम में एक्यूरेसी भी आती है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज डिफाइंड एज दी डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन बिटवीन सिस्टम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग वाइडली एग्रीड स्टैंडर्ड्स टू स्ट्रक्चर द ट्रांजेक्शन और मैसेज डेटा। EDI को ट्रांजैक्शन और मैसेज डेटा के स्ट्रक्चर के लिए वाइडली एग्रीड स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के बीच बिजनेस इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट ट्रांसफ़र के रूप में डिफाइन किया गया है। और दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, अ प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रैदर दैन विद पेपर। EDI बिजनेस इन्फॉर्मेशन का इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज है एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट को यूज़ करते हुए। यह एक प्रोसेस है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी को पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए अलाउ करती है। सिंपली बोले तो EDI एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कोई भी बिजनेस या कंपनी कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी या बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकती है बिना पेपर का यूज़ करे। बेनिफिट्स ऑफ EDI। पहला, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स नोन टू द सेंडर और रिसीवर, दस एंश्योरिंग देयर करेक्ट इंटरप्रिटेशन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटीज और एक्टिविटी सेक्टर्स। इन एडिशन, फ्यूअर टाइपिकल मिस्टेक्स आर मेड वेन एंटरिंग डेटा और इंटरप्रेटिंग एलिजिबल फैक्सेस, अवॉइडिंग लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एरर्स वैन टेकिंग टेलीफोनिक ऑर्डर्स एक्सेट्रा। जो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होती है वो बेस होती है सेंडर और रिसीवर के नॉन स्टैंडर्ड्स पर। इस प्रकार नेशनैलिटीज़ और एक्टिविटी सेक्टर्स की परवाह किए बिना उनकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन एंश्योर की जाती है। इसके अलावा डेटा एंटर करते टाइम या एलिजिबल फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन करते टाइम डॉक्यूमेंट्स को खोने से बचाना, टेलीफोनिक ऑर्डर्स लेते टाइम होने वाले एरर्स एक्सेट्रा, इन सब में भी EDI से हेल्प मिलती है। EDI से ये सब एरर्स बहुत कम हुए हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट कटिंग। ऑटोमेशन ऑफ ऑपरेशंस, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स, फ्यूअर एरर्स, नो मोर यूज ऑफ पेपर, ऑल दिस एनहेंसमेंट्स रिजल्ट इन अ मच मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन कॉस्ट। ऑपरेशन के ऑटोमेशन, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, कम एरर्स, पेपर का यूज़ नहीं, इन सबसे मैनेजमेंट सिस्टम में एफिशिएंसी आई है और कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आई है। क्विकर रिस्पॉन्स टाइम्स, EDI डॉक्यूमेंट्स आर सेंट एंड रिसीव्ड इन सेकेंड्स। टोटल और पार्शियल ऑटोमेशन ऑफ द एसोसिएटेड प्रोसेसेस आल्सो मींस दैट रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स इन द ERP, वैलिडेटिंग क्वांटिटीज और प्राइसेस और कैंसलिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट्स कैन बी कैरिड आउट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। EDI डॉक्यूमेंट्स सेकेंड में सेंट और रिसीव हो जाते हैं। एसोसिएटेड प्रोसेस का टोटल या पार्शियल ऑटोमेशन का यह भी मतलब है कि ERP में डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना, क्वालिटी और प्राइस को वैलिडेट करना और एप्रोप्रिएट अमाउंट को कैंसिल करना, ये सब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली किया जा सकता है। ऑटोमेशन ऑफ ऑपरेशंस, द प्रिंटिंग ऑफ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, देयर हैंडलिंग, क्लासिफिकेशन, इंसर्टिंग इनटू एनवेलप्स, सेंडिंग, रजिस्ट्रेशन इन ERP एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज टास्क आर ड्रामेटिकली रिड्यूस और इवन डिसअपेयर। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग, उनकी हैंडलिंग, क्लासिफिकेशन, उनको एनवलप में इंसर्ट करना, सेंड करना एक्सेट्रा, ये सारे टास्क एकदम से कम हो गए हैं या ख़त्म ही हो गए हैं, क्योंकि अब मोस्टली EDI के यूज़ से ये सब काम इलेक्ट्रॉनिकली ही हो जाते हैं। इनवॉइस जनरेट करके इलेक्ट्रॉनिकली शेयर कर दिया जाता है जिसमें कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं। टीम ऑप्टिमाइजेशन, विद EDI टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू हैंडल अ मच हायर नंबर ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस विद लेस मैन पावर। EDI टेक्नोलॉजी से कम मैन पावर से बहुत अधिक कमर्शियल ऑपरेशंस कराए जा सकते हैं। एनहेंस ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, EDI एनहेंसेस द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय सिक्योरली शेयरिंग
डेटा अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। EDI वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बीच डेटा को सिक्योरली शेयर करने की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है। की कंपोनेंट्स ऑफ EDI सिस्टम। फर्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज़ अ की एलिमेंट इन एस्टैब्लिशिंग EDI सिस्टम एज दिस प्रोवाइड्स द फिजिकल इंटरफेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन टू और मोर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये एक की एलिमेंट है EDI सिस्टम के एस्टैब्लिशमेंट में, क्योंकि ये दो या दो से अधिक ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज के ट्रांसमिशन में फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। द मेन फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज टू सपोर्ट लिंकअप्स टू डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम्स। विद इन द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर देयर आर यूजुअली यूटिलिटीज दैट विल एनेबल यूजर्स टू स्पेसिफिक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर द EDI कनेक्शन। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम को लिंकअप सपोर्ट करना है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आमतौर पर यूटिलिटीज़ होती है जो यूज़र्स को EDI कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पैरामीटर्स के लिए एनेबल बनाती है। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। द ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर इज़ द प्रीवेलेंट कंपोनेंट इन द EDI सॉफ्टवेयर। द पर्पस ऑफ द ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर इज़ टू रिकॉर्ड एंड एनकोड द मैसेज इन अ फॉर्मेट विच बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर EDI सॉफ्टवेयर में एक प्रचलित यानी प्रीवेलेंट कंपोनेंट है। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस मैसेज को डिकोड और एनकोड करना होता है, जो ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर और रिसीविंग कंप्यूटर दोनों ही समझ पाए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफन वेरी इन कम्प्लेक्सिटी डिपेंडिंग ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ ऑफन डिजाइंड एज अ सिंपल डेटा एंट्री पैकेज ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अक्सर यूजर्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वेरी करते हैं। इसे ज़्यादातर कंप्यूटर पर सिंपल डेटा एंट्री पैकेज के रूप में डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। दिस हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन द टू कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस और वाया सैटेलाइट। ये टेलीफोन लाइंस या सैटेलाइट की हेल्प से दो कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है इलेक्ट्रॉनिकली।